हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द हैज़र्ड्स इन वेल्डिंग वर्क। बिफोर स्टार्ट द टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, व्हाट आर द हैज़र्ड्स इन वेल्डिंग वर्क। आप सब जानते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में आम तौर पर वेल्डिंग का वर्क किया ही जाता है, और वेल्डिंग में किन-किन तरह के हैज़र्ड्स पाए जाते हैं, क्या-क्या इंजरीज हो सकते हैं, किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, आज हम उन पर बातचीत करेंगे। तो बता दें कि हेल्थ हैज़र्ड्स फ्रॉम वेल्डिंग, कटिंग एंड ब्रेजिंग ऑपरेशन, चाहे वेल्डिंग का काम हो, कटिंग का काम हो या ब्रेजिंग का काम हो, उसमें बहुत तरह के हैज़र्ड्स पाए जाते हैं, जैसे मेटल फ्यूम्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो भी ऑपरेटर्स काम करते हैं, जो भी ऑपरेशन वहाँ होता है, वहाँ बर्न्स वगैरह के भी चांसेस होते हैं। तो चलिए इस पर विस्तार से हम बात करते हैं, सारे हैज़र्ड्स पर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जहाँ भी वेल्डिंग, कटिंग और ब्रेजिंग का वर्क होता है, तो आई इंजरीज का चांसेस रहता है। आई इंजरीज का चांसेस इसलिए रहता है कि बहुत सारे वेल्डर्स जो है प्रॉपर जो वेल्डिंग गॉगल्स लगा करके काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और रेडिएशन वगैरह या जो वहाँ स्पार्क वगैरह होता है उससे उनकी आंखें जल जाती हैं। ये आप फिगर में देख सकते हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। बर्न इंजुरी कॉमन है, शरीर कहीं भी जल सकता है, क्योंकि जहाँ भी वेल्डिंग और कटिंग किया जाता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा वहाँ तापमान होता है, और उस तापमान में जब कोई भी शरीर का अंग टच करता है तो बर्न होने की चांसेस होते हैं, ठीक है। हीट रेडिएशन, वहाँ जो वेल्डिंग और कटिंग का काम करते हैं तो काफ़ी हीट रेडिएशन निकलता है। उस हीट रेडिएशन के अगर एक्सपोज होते हैं कोई भी वर्कर, तो वो अपने आप में एक हैज़र्ड्स है। लाइट एंड रेडिएशन इफ़ेक्ट्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, जो भी वर्कर वहाँ काम करते हैं, जिसको रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है, आप देख सकते हैं, उससे अक्सर आंखें खराब होती हैं, वो भी हमारे वहाँ चांसेस बने होते हैं। हीट, क्योंकि अपने आप में वहाँ बहुत ज़्यादा तापमान होता है। कटने का भी चांसेस रहता है। क्रश टोज एंड फिंगर्स, जो उंगलियाँ होती हैं और जो टोज होते हैं, अंगूठे वगैरह होते हैं, उसके भी क्रैश करने का चांसेस होता है, क्योंकि जिस इक्विपमेंट को वेल्डिंग करते हैं वो कभी कभी गिर जाते हैं, या कभी कभी उंगलियाँ वगैरह उसके बीच में दब जाती हैं या चब जाती हैं। अब बात करेंगे आगे फ्यूम्स की। आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए किस तरह से फ्यूम रिलीज हो रहा है, किस तरह से गैसेस रिलीज हो रहा है, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए आगे लिखा गया है पॉइजनस गैसेस। जहाँ भी वेल्डिंग वगैरह का काम होता है तो वहाँ जो भी गैसेस रिलीज होते हैं वो अपने आप में एक पॉइजनस माना जाता है, ठीक है। फायर एंड एक्सप्लोजन, जहाँ भी वेल्डिंग वगैरह का काम होता है, फायर एंड एक्सप्लोजन वगैरह के भी चांसेस होते हैं। जैसे मान के चलिए कभी कभी वेल्डर क्या करते हैं, ऐसे इक्विपमेंट को, ऐसे वेसल को, टैंक को वो वेल्डिंग करते हैं जिसमें पहले से फ्यूल वगैरह रहता है, और जैसे ही वहाँ वेल्डिंग का काम करते हैं तुरंत वो एक्सप्लोड कर जाता है। तो ये हमें चाहिए कि हम ध्यान रख करके काम करें, इसलिए फायर एंड एक्सप्लोजन का भी वेल्डिंग एंड कटिंग में हैज़र्ड्स पाए जाते हैं। स्कैटरिंग स्पार्क्स, ठीक है, ये देख रही, ये देख रहे हैं आप, यहाँ जो भी वेल्डिंग कटिंग का काम किया जा रहा है तो इससे काफ़ी स्पार्क, जो चिंगारियाँ निकलती हैं, वो अपने आप में क्या है, एक हैज़र्ड है। नॉइज़, कभी कभी बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकलती हैं, वहाँ भी एक नॉइज़ हैज़र्ड्स पाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। फ्लाइंग सैंड एंड स्लैग्स, जब वहाँ वेल्डिंग का काम होता है तो छोटे छोटे लोहे के कण जो है निकलने लगते हैं, वो फ्लाइंग सैंड एंड स्लैग्स कहलाते
हैं, ठीक है, ये भी हैजर्ड्स वहां पाए जाते हैं। आई डैमेज, जब बर्न्स होंगे या रेडियल एनर्जी अटैक करेंगे, ठीक है, या बहुत ज्यादा तापमान होने की वजह से आंखों के भी है ना डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि वहां बिजली होती है और बिजली के जरिए से हमें बहुत सारे हम वेल्डिंग और कटिंग का काम करते हैं, तो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगने का भी चांसेस होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम पूरी सावधानी के साथ काम करें। रेस्पायरेटरी इरिटेशन का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा जब धुआं निकलता है तो वहाँ आपको सांस लेने में भी दिक्कतें होंगी, सांस लेने में कठिनाइयाँ होंगी, तो ये भी एक हैजर्ड्स पाए जाते हैं। मेटल फ्यूम्स, क्योंकि जब दोनों लोहे को आपस में वेल्डिंग किया जाता है या एक लोहे को काटा जाता है तो मेटल फ्यूम्स उससे निकलते हैं, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक होता है अगर इसको इनहेल किया जाए तो। फीवर, क्योंकि वेल्डिंग जब किया जाता है तो जैसा कि बताया जाता है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन को जब मैच किया जाता है तो लगभग 3500 डिग्री हीट और तापमान वहाँ क्रिएट होता है, तो बहुत ज़्यादा तापमान के सामना करने की वजह से वेल्डर को फीवर वगैरह की भी आ सकता है। लंग कैंसर, यानी ये जितने जो धुआं निकलते हैं आप देख रहे हैं, जो फ्यूम्स और पॉइजनस गैसेस जो रिलीज होते हैं, अगर प्रॉपर जो हमें केमिकल कार्टिज और रेस्पायरेटरी प्रोडक्शन लेकर के जो काम करना चाहे अगर वो उस तरह से काम नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो इनहेल होगा, और इनहेल होगा तो लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। स्किन कैंसर, इसका जो रेडिएशन निकलता है यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रा रेडिएशन जो निकलता है, अगर स्किन में कांटेक्ट होता है और ज़्यादा कांटेक्ट होता है, ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर अगर ज़्यादा होता है तो स्किन कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। डैमेज टू द नर्वस, नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है, क्योंकि इसका जो प्रदूषण होता है, इसका जो पोल्यूशन होता है, इससे निकलने वाले जो गैसेस होते हैं, इससे नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है, ठीक है। उसके बाद है एस्फिक्सेशन, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा और बहुत ज़्यादा वहाँ इस तरह के गैसेस रिलीज होंगे तो वहाँ दम घुटने भी लगेगा। तो ये थे सारे हमारे हैज़र्ड्स एसोसिएटेड विद वेल्डिंग, कटिंग एंड ब्रेजिंग वर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।